यस सर, लड़के आगे आज तक आपसे कई ज्यादा गुना आगे है। अभी आजकल के लड़कियों का बहुत ही परफॉर्मेंस, लड़कों से ज्यादा लड़कियों का ज्यादा परफॉर्मेंस है। उनका मेहनत भी है, उनका बहुत बड़ा सा हार्डवर्क भी है, उन घरों में से भी उनको प्रोत्साहन मिलता है और स्कूल और मंडल से भी उनको प्रोत्साहन मिलता है। ये तालियां तुम्हारे लिए। आदाब, आइए बात करते हैं भिवंडी शहर से करीब 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर महाकोली गांव में खेरा इंग्लिश स्कूल की। आज यहां लड़कियों का कबड्डी ग्रुप का प्रोग्राम था और आज से एक दिन पहले शायद लड़कों का भी था, तो आज से एक दिन पहले लड़कों का भी था। बिलखड़े सर इस वक्त हमारे साथ में है, दोनों दिन के प्रोग्राम की पूरी जानकारी बिलखड़े सर के पास है। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं उनके बारे में बताएं और इस बीच जो बच्चियाँ हैं उसमें अगर कोई काम होगा या सेकंड होगा तो उनसे भी बात करें। तो बिलखड़े सर क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम? आज के प्रोग्राम के लिए बोला जाए तो ये जो टूर्नामेंट जो है वो शासकीय टूर्नामेंट था। ये क्रीड़ा स्पर्धा का, कबड्डी का स्पर्धा का आयोजन हम बहुत सालों से, मतलब जहाँ से स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के तरफ से, जिसका जो हेड ऑफिस है, जो मेन उसका ब्रांच है, जो एसोसिएशन जैसा या उसका डिक्लेरेशन जैसा ये कमेटी है, वो नेशनल लेवल से लेकर तालुका लेवल तक मैनेज करता है स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। और स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीजन लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल, ये उसको मैनेज करता है। तो गवर्नमेंट को उसकी इसके लिए टूर्नामेंट लेने के लिए ग्रांट देती है। अभी इस तालुका लेवल का टूर्नामेंट जितना हो रहा है तो कुल मिला के तालुका लेवल में 10 टूर्नामेंट होता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो पहला हम समझ लीजिए कबड्डी, खो खो, कुश्ती, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कैरम, चेस, ऐसे टूर्नामेंट। तो इसमें से हमने इस गांव में, मतलब हेरा इंग्लिश हाई स्कूल गांव जो है पापुली में, तो यहां हमने दो दिन में, मतलब 22 और 23 नवंबर में यहां आयोजन किया था। तो हेरा हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम के जो प्रशासन है, उनका जो ट्रस्टी है, उन्होंने हमको ये ग्राउंड उपलब्ध करके दिया है। उनके जो चेयरमैन है या उनके प्रिंसिपल है या उनका पूरा स्टाफ है या उनके जो यहाँ के जो क्रीड़ा प्रमुख है सैफल पठान सर या उनके जो प्रिंसिपल है, उन्होंने यहाँ हमको बहुत तरह से अच्छे किया। इसी कारण हमने यहाँ दो दिन इसका, और गर्ल्स और बॉयज़ का दोनों दिन हमने यहाँ आयोजन किया। सर बॉयज़ कितने रहे होंगे आज के एक दिन पहले? आज के एक दिन पहले बोला तो गेम वाइज, मतलब यहाँ अंडर 19 गेम में तो कम 9 दिन थे, मतलब 9 × 12, मतलब कितना, 12 अक्टूबर से 108 स्टूडेंट्स यहाँ अंडर 19 में खेला गए हैं। और 17 में 19 टीम थी, मतलब कम से कम तकरीबन 150 स्टूडेंट यहाँ आए थे, उससे ज़्यादा भी आए थे। मतलब टोटल मिला के, बॉयज एंड गर्ल्स टोटल मिला के कम से कम 750 स्टूडेंट्स यहाँ खेल रहे थे। सर आपको तो आपको पता है आप स्कूलों में जाते हैं, हाँ, तो लड़कियाँ आगे आगे ही चलती हैं, क्या कबड्डी में लड़कियाँ आगे थी या लड़कियाँ? यस सर, लड़कियाँ आगे आज तक आपसे कई ज़्यादा गुना आगे हैं। अभी आजकल के लड़कियों का बहुत ही परफॉर्मेंस, लड़कों से ज़्यादा लड़कियों का ज़्यादा परफॉर्मेंस है। उनका मेहनत भी है, उनका बहुत बड़ा सा हार्डवर्क भी है, उन घरों में से भी उनको प्रोत्साहन मिलता है और स्कूल और मंडल से भी उनको प्रोत्साहन मिलता है। ये तालियां तुम्हारे लिए। यहाँ से तालुका लेवल से जो जो विनर हो जाता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेला जाता है। डिस्ट्रिक्ट में खेला जाने के बाद डिवीजन में खेला जाएगा, डिवीजन के बाद स्टेट में जाएगा, और यहाँ से उनको प्रोत्साहन स्वरूप गवर्नमेंट की तरफ से उनको मार्क मिलता है। गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ अच्छे तरह से रैंक होकर उसको सर्विस भी मिल जाती है, स्पोर्ट्स कोटा में उसको सर्विस मिल जाता है। सरसनी के तौर पर, सर्विस के तौर पर उनको कुछ अलग अलग स्पोर्ट्स कोटा में उनको अलग ऐसा कोटा रहता है, तो उसको बेनिफिट ही बेनिफिट है, गवर्नमेंट उसको बेनिफिट ही बेनिफिट देते हैं। इसलिए आज के तारीख में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब ये है कि स्पोर्ट्स के कारण हर आज का नवयुवक हेल्थी एंड मेंटली फिजिकल फिट रहता है। इसलिए हर एक स्टूडेंट ने, हर एक युवक ने, यूथ ने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना ही जरूरी है, क्योंकि आज का जो माहौल है संसर्गयुक्त माहौल चल रहा है, जैसा कोरोना का माहौल चल रहा था, ऐसे कई रोग, ऐसे साथी रोग आते जा रहे हैं।
इसीलिए मैं सबको लिए मैं गुजारिश करता हूँ, सबके लिए मैं विनती करता हूँ कि सब लोगों ने यहाँ स्पोर्ट्स को पार्टिसिपेट करना ही करना है, चाहे आप जीते हो या हारो, लेकिन अपने सेहतमंद ये स्पोर्ट्स के लिए होनी चाहिए। इसके लिए शैक्षणिक के तौर पर शिक्षा जो करती जा रही है, शिक्षा रूप से और मंडल के रूप से कई कई क्रीड़ा मंडल है वो भी प्रोत्साहित रूप से उनको प्रोत्साहन करने जा रहा है, वो भी आगे चलते हैं एसोसिएशन के मार्फत या स्कूल के मार्फत हो। के लिए एक जानकारी मैं बताता हूँ, अभी आप थोड़ी देर पहले मेरे सामने थे जब 2008 में हमने बाइक यात्रा किया था दिल्ली से दिल्ली, उसमें हमारे साथ एक मनोज जाधव जो साथ में थे, और वापस आने के बाद उन्होंने और औरंगाबाद में टीचर के लिए अप्लाई किया, तो अदर एक्टिविटी में उनके पास एक फाइल थी कि मनोज जाधव ये प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाकर आए हैं, राष्ट्रपति भवन में अंदर एंट्री करके आए हैं, ये सारी अदर एक्टिविटी में था, तो सबसे पहली फाइल उन्हीं की सिलेक्ट हुई और वो औरंगाबाद में टीचर की ड्यूटी, तो अदर एक्टिविटी ज़रूरी है। ठीक है, खाना पकाना नहाना धोना है तो दुनिया का काम है, सभी करते हैं, मगर एक अदर एक्टिविटी में जब आप आएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। और हमारे साथ में हम तीन तो अपनी जगह पर है, हमारा एक जोड़ीदार औरंगाबाद में ड्यूटी पर है, सिर्फ इसलिए कि वैसी फाइल किसी के पास नहीं थी, राष्ट्रपति भवन में जाकर आना, प्रधानमंत्री भवन में जाकर आना और बाइक से जाना, ऐसी फाइल वहाँ किसी के पास नहीं थी। वो 150 लोग थे, सबसे पहला सिलेक्शन मनोज यादव का और भी उसके लिए हम ताली बजाते हैं। आइए बात करेंगे पठान सर से। पठान सर कराटे क्लासेस के बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और हम 4 दिन पहले भी यहाँ आए थे, कराटे का प्रोग्राम था। पठान सर क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के? सबसे पहले तो मैं भारत शक्ति समाचार का शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि आप लोग की वजह से हमारे बच्चे, हमारा स्कूल, हम मशहूर होते हैं। तो सबसे पहले एक बार तालियां चैनल के लिए हो जाए। तो प्रोग्राम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ कल और आज, काफ़ी बच्चे थे कल, एक दिन में 750 बच्चों को हैंडल करना हमारे रेफरीज, मैं रेफरीज लोग के लिए भी एक बार तालियां चाहूँगा। 750 बच्चे हमारे देश में बच्चों को हैंडल करना बहुत बड़ा काम है, ये सबको पता है। एक घर में 4 बच्चे होते हैं तो माँ बाप तो परेशान होते हैं, और यहाँ 750 की बात है। और आज के दिन लड़कियों का टूर्नामेंट था अंडर 17 और अंडर 14। आज का दिन तो इतना अच्छा हुआ, पिछले साल भी था और आज भी, कोरोना से पहले जो 3 साल पहले भी यहीं हुआ था टूर्नामेंट, और आज भी जो टूर्नामेंट हुआ आज तो बहुत अच्छा हुआ, लड़कियों ने इतना अच्छा खेला, बहुत उत्साह से खेले बच्चे। और अल्ताफ भाई जो है हमारे साथ में, इन्होंने बहुत सारी मदद की है यहाँ, मतलब इतनी उम्र में भागम दौड़ी को करके क्या चीज़ कम पड़ रही है क्या नहीं, जैसे विनोद सर ने भी अनाउंस किया उसके बारे में, तो मैं अल्ताफ भाई का भी बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी थी लेकिन उसके बाद भी पूरा काम बहुत किया। फिर मंसूर भाई जो यहाँ के साफ सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने भी बेचारे कम से कम 15 दिन हो गया, सारी घास से लेके पत्थर से लेके खुरपी से, अपना सुबह 9 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक कंटिन्यू 12 घंटा अकेले काम करते रहे, और ये बच्चों के लिए मैदान, हमारे टूर्नामेंट के लिए मैदान दिया, मतलब मैदान को साफ किया। और उसके बाद हमारी जो प्रिंसिपल है फारिया मैम, उनका तो बहुत बड़ा हम लोग बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। हम हैं भेलखड़े सर हैं, जब 2012 में सर हम विनोद सर ने हमें भेलखड़े सर से मिलाया था, फिर 4 साल हम भेलखड़े सर के अंडर में वीरन में मार्शल आर्ट मैंने सिखाया। उसके बाद हमारी अच्छी दोस्ती की वजह से, हमारी अच्छी पहचान की वजह से मुझे स्कूलें भी मिली बहुत सारी भेलखड़े सर के अंडर में काम करने की वजह से, क्योंकि इनका एक अहदा अलग है। बहुत से भिवंडी के बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े जो टीचर हैं, भेलखड़े सर को बहुत मानते हैं सीनियर पर्सन के हिसाब से, तालुका क्रीड़ाधिकारी के हिसाब से, और आज तक ये इनके सिवा किसी को गया नहीं, क्योंकि सबसे अच्छा तालुका का जो गेम होता है भेलखड़े सर के अंदर होता है भिवंडी में। तो एक बार तालुका क्रीड़ाधिकारी के लिए तालियां। और उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आज तक विनोद सर हैं, आज तक मेरे ख्याल से मैं 12 साल से इनके साथ हूँ, 12 साल से आज तक जितने भी खेल होते हैं, कराटे हो चाहे कराटे में उनका कोई संबंध नहीं है, यस बहुत मजबूत है, और वो कंधा मजबूत करने वाले विनोद सर हैं। हाइट कम फाइट ज़्यादा बोलूँगा, एकदम खतरनाक फाइटर है वो, फाइटर ऐसे हैं कि हमारे जैसे फाइटरों को भेलखड़े सर से जोड़कर भेलखड़े सर को मजबूत बनाए उन्होंने। बहुत सारे बच्चे आज
कई सारे आके चले गए और आज भी आ रहे हैं और हम लोग इनके साथ में हैं और हमारे बाद में हमारे जो बच्चे हैं वो भी शिक्षक बनकर बेलकर सर से जुड़ के रहे हैं और बेलकर सर को और मजबूत कर रहे हैं। तो मैं इसी तरह बेलकर सर का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे स्कूल में आपने ऐसा समझा कि हमारे स्कूल इस लायक है कि आपके जो तालुके के गेम यहाँ हो सकते हैं, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा और आपका, आप सभी का। इतना बोलकर मैं अपने दो शब्द हमारे साथ में अल्ताफ भाई हैं। अल्ताफ भाई, क्या कहेंगे आपका स्कूल का पूरा कैंपस, यहाँ के तालुको, इन बच्चों के लिए खड़े रहे? सर, मैं बिलखड़ी साहब और विनोद सर, पठान सर और कल्पेश सर, चारू मैडम, इनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस जो स्पर्धा रखी गई थी इसको कामयाब बनाने में जो उनको कोशिश करनी चाहिए थी उससे ज़्यादा कोशिश की। और सर ने जो कहा है कि बच्चों को डिसिप्लिन के साथ अगर कोई गेम खेलोंगे तो सिर्फ कामयाब भी रहोगे और लोगों की नज़रों में भी तुम्हारी इज्जत रहेगी। माझ्या शाळेचं नाव आजरा विद्या मंदिर गोल या संघाने आज इथे प्रथम क्रमांक मिळवलेला आहे। माझे कोच आशिष तरे, सूरज नाईक आणि सर सचिन पाटील सर आणि राजेश करंदी सर यांचा आम्हाला मोठा सहकार्य होता, म्हणून आम्ही इथे प्रथम क्रमांक मिळवला। आमचं जिल्हास्तरीय या पुढील मॅचेस बदलापूर जसे होणार आहे तिथे आम्ही प्रथम क्रमांक कसा मिळवणार याचा प्रयत्न करतो। तालुका स्तरीय स्पर्धा हेरा इंग्लिश स्कूल महापोली येथे झाले। अब हमारे साथ साथ में विनोद सर है, देखने में वजन कम है मगर बहुत ही वजनदार व्यक्ति सही ना सर, बहुत मेहनत करते हैं और बच्चों की तरफ से मैं चाहूंगा कि एक जोरदार ताली विनोद सर के लिए। क्या बात है विनोद सर, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम खत्म, बहुत सारे लोगों ने अपना अपना अपने नसीब का अवार्ड दिया और अपने घर जाएंगे और आप अपने घर जाएंगे, भी अपने घर जाएंगे, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम? भिवंडी तालुका शासकीय शालेय क्रीडा स्पर्धा 2022-23 हेराय इंग्लिश स्कूल महापोली इथे संपन्न झाल्या। 700 ते 750 विद्यार्थ्यांनी इथे सहभाग घेतलेला आहे, त्याच्यामधून 14 वर्ष आतील, 17 वर्ष आतील, 19 वर्ष आतील ह्या वयोगटातील संघांनी सहभाग घेऊन आडगाव विद्या मंदिर कोण 17 वर्ष आतील मुली, तसेच अजून शाळा आहेत 14-17 मधल्या, त्यांनी विजय संपन्न केला। मी जास्त करून तालुके केंद्र भगवानचे आभार मानतो, कारण की आज मी तुमच्या समोर आहे, हे फक्त जी बी बेलखेडे सरांमुळे आहे। आज माझं कुठलंही क्रेडिट नसताना पण माझी ओळख भिवंडी तालुक्यामध्ये जी बी बेलखेडे सरांमुळे झालेली आहे, त्यांच्यासाठी मला थोडीशी कायवा दिसेल। तसेच या शाळेने प्रिन्सिपल असतील, व्यवस्थापक असतील, सगळ्यांनी जी शाळा उपलब्ध करून दिली त्यांचे मी पहिले प्रथमतः आभार मानतो। हा मैदान ज्यांनी स्वच्छ केला, सफाई कामगार, त्यांचे मी आभार मानतो। पण मुलांना एक लक्षात ठेवा, कुठलाही खेळ खेळत असताना शैक्षणिक असू दे किंवा खेळ खेळा असू दे, जर तुमच्याकडे शिस्त नसेल तर तुम्ही खेळ कितीही चांगले खेळाल ते महत्त्वाचे नसणार, शिस्त ही महत्त्वाची असणार आणि ते शेवटपर्यंत तुम्हाला कामी येणार। इथं विद्यार्थ्यांना जे क्रीडा शिक्षक, प्रशिक्षक अथवा व्यवस्थापक घेऊन येतात त्यांचे मी आभारी आहे, कारण की मुलांना इथपर्यंत पोहोचवणे हा महत्त्वाचा मुद्दा असतो। के पीछे टीम काम करती है और वो टीम सामने बहुत कम आ पाती है। विनोद सर हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी टीम मौजूद है जो पीछे रहकर ज़रूरत पड़ी तो झाड़ू भी मार दे, वो टीम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। विनोद सर, क्या कहेंगे इन बच्चों के बारे में, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही काम के बच्चे हैं। भिवंडी तालुका शासकीय शालेय क्रीडा स्पर्धा 2022-23 हेरा इंग्लिश स्कूल महापोली येथे संपन्न झाल्या। बक्षीस घेतावेळेस प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रमांकाचे बक्षीस घेतावेळेस आपल्याला खेळाडू दिसत असतात, टीम मॅनेजर दिसत असतात, क्रीडा शिक्षक दिसत असतात, पाहुणे दिसत असतात, परंतु त्या अलीकडे 2 दिवस जे मेहनत करत असतात पडद्यामागची जी माणसं असतात ती माझ्यासाठी महत्त्वाची असतात, कारण की पावडर टाकणं, आत्ताची मुलं लाजतात, खुर्ची उचलणं लाजतात, ते 1 मिनिटाचं काम असेल पण तो माझ्यासाठी क्रीडा क्षेत्रासाठी खूप महत्त्वाचा असतो आणि तो काम ह्या सगळ्या माझ्या विद्यार्थ्यांनी मदत करतात, यांनी सगळ्यांनी मस्तपैकी केलं म्हणून आज टूर्नामेंट संपन्न झाल्या, म्हणून खारीचा वाटा मी त्यांना देणार आहे। फिर वही शुरुआत है मेरे साथ में नेहा गुप्ता 12वी के स्टूडेंट। नेहा, आज के कबड्डी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पहुँचे, नेहा तुम ईमानदारी से बताना
कि तुम यहाँ तक पहुँची, तो इसमें यहाँ तक पहुँचाने में तुम्हारे परिवार के किन किन लोगों की मदद थी? मम्मी पापा सबकी मदद होती है ना। हाँ। सबकी मदद से ही हम किसी काम में आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम में कुछ लोग पीछे होते हैं और उन्हीं लोगों की मदद से प्रोग्राम अच्छा होता है, बराबर ईमानदारी। हाँ। तो फिर तुम्हारी मम्मी के लिए तालियां हो जाए। यस। थैंक यू। और कुछ बोलना है?